हाय गाइस मैं हूँ मेगा एंड वेलकम टू माय चैनल पर्की मेक जिंदी जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स तो गाइस सर्दियाँ बस जाने वाली है स्प्रिंग समर सीजन आने वाला है एंड आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एवरीडे कॉटन कुर्तीज फ्रॉम अमेजोन ये सारी कुर्तीज़ जो है फ्रॉम दिस ब्रांड रंगीता है एंड एवरीडे कुर्तीज़ हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि घर पे क्या पहने ऑफिस में क्या पहने यू नो फॉर एवरी तो ये जो कुर्तीज़ हैं एवरीडे आप पहन सकते हैं एंड uh, सारी जो कुर्तीज़ के लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए ऑल्सो बिफोर वी मूव ऑन टू द ट्राई ऑन हॉल पार्ट एंड द हॉल पार्ट अमेजोन पे हर वीकेंड आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं तो आपको और डिस्काउंट्स मिल जाएंगे सो यू कैन इसकी जो डिटेल्स है वो पढ़ देती हूँ सो दिस इज रंगीता वुमेन 100% परसेंट कॉटन रेस्ट फ्लोरल प्रिंटेड लेंथ कलिर्ती कुर्ती इसका प्राइस है नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज दिस इज हाउ इट लुक्स ये बहुत ही सॉफ्ट एंड प्योर कॉटन मटेरियल में है इसको मैंने पहना तो मुझे काफी अच्छा लगा जो सारे साइज है मैंने एम में लिए हैं और एम के बाद भी मुझे लगता है थोड़ा सा ढीला है मुझ पर एंड दिस इज हाउ द कुर्ती लुक्स इसमें पूरे ओवरऑल में ये प्रिंट है एंड इट इज अ ब्यूटिफुल प्रिंट आप इसको मरून या ब्लू या ब्लैक या फिर वाइट लेगिंग्स के साथ पेयर कर सकते हैं एंड इसमें जो है साइड में इस तरह के टैसल्स भी हैं इधर और इधर दोनों साइड तो आप इसको टाई भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी लूज है तो फिट करने के लिए दिस इज हाउ द कुर्ती लुक्स आई थिंक ये एवरीडे के लिए बहुत ही अच्छी कुर्ती है आप इसको ऑफिस में भी पहन सकते हैं एवरीडे पे घर पे भी पहन सकते हैं कहीं बाहर जाना उस भी पहन सकते हैं दिस इज क्वाइट वर्सेटाइल एंड दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल कुर्ती फॉर द स्प्रिंग समर सीजन सो so, ये थी पहली कुर्ती दूसरी जो कुर्ती है थोड़ी सी फैंसी कुर्ती है उसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा सो दिस इज़ द कुर्ती ऑफ वाइट में है एंड आई लव ऑफ वाइट कुर्ती मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ सो दिस इज़ हाउ द कुर्ती लुक्स इसकी पहले मैं डिटेल पढ़ देती हूँ सो दिस इज रंगीता वुमेन क्रीम सिल्वर प्रिंटेड काफ लेंथ ए नालकड़ी कुर्ती इसका जो प्राइस है दैट इज़ ट्वेल्व नाइन्टी नाइन रुपीज़ है ये थोड़ा सा हायर साइड में है बिकॉज uh, मैंने आपको बताया था इसी फैंसी कुर्ती है इसमें जो है सामने थोड़े से मुझे सीक्वेंस uh, सीक्वेंस से है दिख रहे हैं ऐसे शव शिमो दिखता है अंदर ऐसे पूरे में प्रिंट है ये ट्यर्ड कुर्ती है नीचे उसमें ब्यूटीफुल ये ऑरेंज में ये प्रिंट बना हुआ है सो so, पूरी ये प्रिंटेड कुर्ती है साइड में टैसल्स भी हैं टाई करने के लिए एंड uh, पीछे से इस तरह की दिखती है दिस इज ऑल्सो अ कॉटन कुर्ती है मुझे कुछ थोड़ा सा कॉटन सिल्क टाइप का मटीरियल लग रहा है प्योर कॉटन नहीं है कॉटन सिल्क मिक्स है एंड uh, इसको आप अगेन लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं आप ऑरेंज लेगिंग्स वाइट लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं ऑफ वाइट -right के साथ एंड ये थोड़ी सी शेयर है तो इसके अंदर आप स्लिप पहन सकते हैं इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल वेडिंग शेयर कुर्ती सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ओवरऑल इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज़ ग्रेट अगर आप किसी के मॉर्निंग इवेंट uh, में जा रहे हैं उसके लिए भी अच्छी होती तो है थोड़ी सी फैंसी एक्सेसरीज थोड़ी सी और ऐड कर लीजिए आप इसे ऑफिस में भी पहन सकते हैं um, किसी के आप मिलने जा रहे हैं उसमें भी पहन सकते हैं सो आई रियली लाइक दिस कुर्ती फॉर एवरीडे नेक्स्ट जो कुर्ती है गाइस इट इज दिस ब्लू कुर्ती मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी लेट मी रीड आउट द डिटेल्स दिस इज रंगीता वुमन नेवी गोल्ड प्रिंटेड काफ लेंथ कुर्ती एंड इसको मैंने लिया है 979 हंड्रेड में और रुपीज अगेन uh, इसका जो कपड़ा है बहुत सॉफ्ट है मुझे इनकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी इसका प्रिंट काफी अच्छा है फ्रंट में थोड़ी सी सीक्वेंस भी है इसमें हल्की हल्की छोटी छोटी सी एंड uh, नीचे से पूरी प्रिंटेड है पीछे से भी पूरी प्रिंटेड है बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है मैंने इसको ट्राई ऑन पार्ट में मरून लेगिंग्स के साथ पहना है और ये बहुत अच्छी लग रही है आप इसको ब्लू नेवी ब्लू लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं एंड मरून के साथ भी पहन सकते हैं सो ओवरऑल आई रियली लाइक दिस कुर्ती दिस इज ग्रेट फॉर एवरीडे के लिए आप इसको ऑफिस में भी पहन सकते हैं आप इसको कॉलेज में भी पहन सकते हैं सो वेरी वर्सेटाइल कुर्ती ऐसी कुर्तियाँ बहुत वर्सेटाइल होती हैं जिनको हम काफ़ी जगह पहन सकते हैं सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ कुर्ती तो ये थी तीसरी कुर्ती फॉर दिस

एंड इस तरह की दिखती है ब्यूटिफुल uh, जो है कुर्ती है आप इसको फंक्शंस uh, में भी पहन सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल प्रिंट है फेस्टिवल्स uh, में भी पहन सकते हैं आप इसको ऑफिस में यू you नो know, कोई पार्टी है उसमें भी पहन सकते हैं सो दिस इज दैट काइंड ऑफ कुर्ती इसका लुक बहुत अच्छा है आप इसको गोल्ड पैंट्स या गोल्ड लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं आप इसको मरू लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं मैंने ट्राई ऑन पार्ट में इसको मरून लेगिंग्स के साथ पहना है एंड जो है नी, नेहरू कॉलर में है इसमें टाइम भी है आगे से आप टाई कर सकते हैं अगर आपको फिटेड वेस्ट चाहिए चाहिए सो दिस इज़ हाउ द कुर्ती लुक्स ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगता है काफ़ी वर्सेटाइल होती है ऐसी कुर्तीज़ आप काफ़ी जगह इसको पहन सकते हैं किसी से मिलने जा रहे हैं किसी की पूजा में जा रहे हैं ऑफिस में कोई फंक्शन हो या कोई लाइट फेस्टिवल हो या फिर इवन uh, एवरीडे uh, जैसे कोई घर पे आ रहा हो तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ कुर्ती तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ना जो लास्ट कुर्ती है इट इज़ अ गोल्ड बेस कुर्ती तो ये इस तरह की गोल्डन जो है ये आ, बेस पे है लेट मी रीड आउट द डिटेल्स फर्स्ट तो दिस इज वुमेन गोल्ड प्रिंटेड काफ लेंथ कलदार ए लाइन कुर्ती इसका जो प्राइस है दैट इज नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज दिस इज हाउ इट लुक्स इसमें गोल्ड बेस है पिंक में इससे फ्लावर बने हुए हैं आगे इस तरह तो का एक यू नो नेक है जिसमें बटन्स हैं एंड पीछे भी इसका सेम वही प्रिंट है तो दिस इज अ लिटिल थोड़ा सा ए लाइन शेप आ रहा है इसका इसको आप पिंक लेगिंग्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं मरून के साथ भी पेयर कर सकते हैं आप इसको गोल्ड पैंट्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं तो काफ़ी वेज में आप इसको बॉटम्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट आप इसको पिंक प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं उसके साथ भी अच्छा लगेगा सो दिस ऑल्सो यू कैन वेयर फॉर लाइट ओकेजन उस पर भी पहन सकते हैं आप इसको एवरीडे में भी पहन सकते हैं बट एवरीडे से थोड़ी सी मुझे ये लगता है लुक इसका ज्यादा अच्छा है तो आप इसको ऐसे ही किसी लाइट ओकेजन uh, किसी लाइट फेस्टिवल या यू नो एक्सेसरीज और एड ऑन कर देंगे तो आप उसको लुक चेंज कर सकते हैं फ्रॉम डे टू नाइट सो दिस इज़ द लास्ट कुर्ती ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी सो वाज इसल अबाउट टूडेज वीडियो सारी जो एवरीडे कुर्तीज़ हैं जो मैंने आपको दिखाई इनमें से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आई नो आप लोग एवरीडे क्लोथ्स uh, जो है ढूंढते हैं एंड यू ऑल्सो रिक्वेस्ट मी इन इन दट यू नो कमेंट सेक्शन ऑफ माई वीडियो तो अगर आपको और कुछ वीडियो देखना है और कुछ आपको कलेक्शन देखना है uh, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आई विल रीड योर कॉमेंट्स एंड आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ

सो so गाइज मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में फील बीरफो बी स्टाइलिश बाय